आगे बढ़ते हैं और तालीमी इदारों की बात कर लेते हैं। हाई स्कूल्स खुल गए हैं। एनसीओसी की जानिब से किए जाने वाले फैसले के तहत 9वीं से 10वीं जमात तक तालीमी इदारे आज से खुल चुके हैं। 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसके बारे में अभी फैसला किया जाना है और वो फैसला ये हुआ कि इसे अभी एक हफ्ता आगे लेके जाएंगे और एक हफ्ते के बाद खोलेंगे। मजीद भी आई थिंक उस खोलने से पहले रिव्यू किया जाएगा सिचुएशन को। और प्राइमरी से 8वीं जमात की क्लासेस यकम फरवरी से शुरू होने से मुतालिक कहा तो जा रहा है, बट वज़ीर तालीम ने कहा है कि जिन शहरों में वायरस का फैलाव ज़्यादा है, जहाँ ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, वहाँ ये फैसला इस मौखर किया जा सकता है। सिंध की वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहर साहिबा ने तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत की है, बिकॉज हम देख भी रहे हैं कि पिछले चंद हफ़्तों से चंद दिनों से सिंध बिलखसूस कराची में जो इन्फेक्शन रेट है या ट्रांसमिशन रेट है बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब तक इन्फेक्शन की शरह 3% से कम नहीं हो जाती स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए। लेकिन स्कूल्स खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, माहौल कैसा है आज, स्ट्रेंथ कैसी है वहाँ पर, तलबा कितने खुश हैं। हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी ज्वाइन कर रहे हैं कराची से और शाहीन शहजादी हमारी रिपोर्टर फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर की क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले कराची की बात करते हैं। शाहनवाज, स्कूल्स खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, 9th, 10th, 1st year, 2nd year, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, क्या माहौल है आज और आज क्या सड़कों पर रश था या कि आपने देखा कि क्योंकि सिर्फ ये 4 क्लासेस खुली हैं तो रश नहीं है? देखिए, एक अच्छा फैसला है और जो घर में बच्चे मौजूद थे और वो घर में बोर हो रहे थे उनके लिए कह सकते हैं कि अच्छा फैसला है। और तालीम का जो नुकसान हो रहा था वो भी जो है अब बेहतर हो जाएगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ एनसीओसी की जानिब से मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया था कि जो 9 से लेकर 12th जमात की जो क्लासेस हैं उनका आगाज़ कर दिया जाएगा। तो आज पहला रोज़ है और मैं इस वक्त एक जुरू मंदिर के निजी स्कूल के अंदर ही मौजूद हूँ, जहाँ हमने स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की थी, वो खास खुश नज़र आए थे। इस वक्त यहाँ पर पेपर चल रहा है और मेरे पीछे भी अगर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर इस वक्त पेपर लिया जा रहा है। तो अच्छा फैसला है, लेकिन ख्याल हमें रखना होगा SOPs का, क्योंकि हम जब यहाँ पर हमने देखा कि प्रॉपर तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, जो मास्क है उसको मैंडेटरी किया गया है, यहाँ पर सैनिटाइज़ किया जा रहा है बच्चों को, और ख़ास तौर पर जो सोशल डिस्टेंस है उसके का ख्याल रखते हुए यहाँ पर पेपर लिए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अच्छा फैसला है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सिंध हुकूमत की और जो अज़रा पेचो कह चुकी है कि सूरत हाल खास खतरनाक है, एहतियात करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, शाहनवाज साथ रहेगा, शाहीन आप बताएगा आप इस वक्त लाहौर में कहाँ मौजूद है। लाहौर में तो ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को ये भी एक मौका मिलता है कि भाई ठंड है तो आज स्कूल नहीं जाना, तो स्कूल में बच्चों की तादाद कितनी थी, अगर बच्चों से बात आपने की हो तो वो खुश नजर आ रहे थे या अभी भी अपसेट थे कि इतनी जल्दी स्कूल खुल गए हैं? बिल्कुल, मैं भी एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो बच्चों की तादाद है वो जो 50% बच्चों को स्कूल में बुलवाया गया था उतनी ही है, बच्चे स्कूल में बैठे हैं, अभी सेकंड पीरियड चल रहा है और स्टडी जो उनकी है वो हो रही है। SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, सैनिटाइज़ करके बच्चों के हाथ वगैरह उनको अंदर स्कूल में दाखिल होने दिया गया है। क्लासें जो हैं वो इस वक्त जारी हैं, कुछ बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं, कुछ उदास हैं क्योंकि उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। जिस तरह से हम लोग वीकेंड के बाद मंडे को ऑफिस आते हैं तो उठने का दिल नहीं चाहता, इस तरीके से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेने में खुश थे, यहाँ स्कूल आके पढ़ने में खुश नहीं थे। बाकी इनसे हम अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं, मज़ीद जान लेते हैं इनसे कैसा लग रहा है आपको स्कूल में आना पढ़ना, और या वो अच्छा था कि घर में रह के पढ़ लेते? इधर ही ठीक है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हाँ जी। और छुट्टियाँ कैसी गुजरी, दिल है दोबारा छुट्टियाँ हो जाए? नहीं, अब नहीं दिल कर रहा, बहुत होगी छुट्टियाँ, बहुत होगी छुट्टियाँ। अच्छा आप बताएं, आप सारे जो क्लास में स्टूडेंट हैं कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मिस हो गए, नहीं आ पाए, उनको याद कर रहे हो आप? याद तो अभी सारे ही आ रहे हैं, लेकिन मैं जिस वजह से आया हूँ तो मैं तो अपने उस्तादा कराम की वजह से आया हूँ। अच्छा। मैं उन्हें देखने का बड़ा दिल चाह रहा था। अच्छा। बस देखने फिर प्यार इतना है। अच्छा ये बताएं, स्टडी से कितना प्यार है, पढ़ने भी आए होंगे, उस्तादा तो आपको नज़र आ गए, ये बताएं पढ़ने का भी दिल है या बस नींद आ रही है इधर बैठ के? पढ़ तो मैं लूँगा ही सर ने, फिर आगे आपको पता है फिर आगे क्या होता है, अभी सर ने याद करने के लिए दिया हुआ है इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सर ने शरारती बच्चा लग रहा है खड़ा कर देना मुझे क्लास से। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वो दिल की बात बता रहे हैं कि अगर सबक याद नहीं किया तो जो टीचर हैं वो क्लास से बाहर खड़े कर देंगे। आप बताओ बेटा, आपको स्कूल में आके कैसा लग रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, स्कूल में आके मज़ा भी आता है और पढ़ भी लेते हैं, घर में भी तंग आ गए थे तो शायद इनसे पूछे तंग ये आ गए थे या माँ बाप तंग आ गए थे? अच्छा वालदेन भी तंग आ गए होंगे घर में शरारतें कर, वो भी तंग आ गए। बस कहते थे जल्दी से स्कूल खुल जाए और जान छूटे। चलिए, यही शाहीन वालदेन की दुआएं हो गई हैं, जल्दी से स्कूल खुल जाइए।
ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से ही है। एक और बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है, आप मुझे बताएं कि वजीर तालीम ने जो फैसला किया वो आपको पसंद आया या अच्छे लगते हैं आपको? बिल्कुल पसंद आया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हमारे मई में आगे पेपर आ जाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसान था, अगर और छुट्टियाँ होती तो हमारे लिए इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस के तैयारी करें विद इन 3 मंथ्स, तो इसलिए शुक्र है कि स्कूल खुल गए तुम्हारी तैयारी। ये है पढ़ाकू बच्चा, स्टडी से रिलेटेड भी काफी ज्यादा उनको पसंद आ रहे हैं, पढ़ाकू बच्चे भी बैठे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको हम जा रहे हैं। और शाहीन हमें लाहौर के स्कूल से और शाहनवाज अली कादरी हमें कराची के स्कूल से अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि जो शेफ जैसे बच्चे होते हैं जिनसे ना सुबह उठ के ऑफिस आया जाता और ना कभी मेरे ख्याल से स्कूल भी नहीं जाते थे। मेरे स्कूल में मुझे याद है कोई एक छुट्टी नहीं थी और इसीलिए मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं कर पाता, वो मेरी ट्रेनिंग मेरी माँ ने की, छुट्टी नहीं कर रही। आप फलाना असर मुझ पे आने लगे, इसमें भी छुट्टी नहीं कर।